हेलो एवरीवन, सो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 126, 127 और 128। तो सबसे पहले बात करते हैं 126, जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो हमने आर्टिकल 124 देखा था जिसमें बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होगा या फिर अदर जजेस जो होंगे वो कैसे अपॉइंट होंगे, वो उनकी सारी क्वालिफिकेशन कितने नंबर्स होंगे, वो 124 सेक्शन आर्टिकल जो था उसमें डील किया था। अब 126 जो आर्टिकल है, 125 भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जो कि सैलरी की बात करता है। 126 जो आर्टिकल है ये बात करता है कि अपॉइंटमेंट करना एक्टिंग चीफ जस्टिस का। मतलब हमने चीफ जस्टिस अपॉइंट तो कर दिया था 124 में, जो 124 थी उसकी हेडिंग ये थी एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए किस किस किन किन लोगों की ज़रूरत होती है, वो सारे हमने लोग अपॉइंट किए थे, उनकी क्वालिफिकेशन बताई थी। अब यहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात है। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब होता है कि कौन काम करेगा। तो क्या होता है कि कभी कभी CJI जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं अगर वो किसी काम में बिज़ी हैं, कहीं ना कहीं व्यस्तता है उनकी, तो कोई अदर जज जो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देगा कि आप जो हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस वाला काम संभाल लीजिए। मतलब होता है ना कि अपन कुछ टाइम के लिए जब अपना सीनियर ऑफिसर नहीं होता है तो सीनियर ऑफिसर वाली ड्यूटी निभानी होती है, तो वही चीज़ है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस की ड्यूटी कोई अदर जज भी निभा सकता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, कहीं और बिजी है, कहीं और किसी काम में व्यस्त है। तो ये है आर्टिकल 126। 127 जो आर्टिकल है वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस, तो ये टर्म जो आई है एडहॉक, एडहॉक का मतलब क्या होता है? एडहॉक का मतलब होता है स्पेशल पर्पज़, कि कोई ना कोई एक स्पेशल पर्पज़ है उसको फुलफ़िल करने के लिए जजेस का रिक्वायर किया, जजेस की रिक्वायरमेंट है और उसको फुलफ़िल की जाएगी। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस आर्टिकल 127 में डील किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो कोरम है, जितने सुप्रीम कोर्ट में जजेस चाहिए, अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करेगा, और प्रेसिडेंट को कंसल्ट करने के बाद जिस हाई कोर्ट से वो चीफ जो हाई कोर्ट के जजेस को वो सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। मतलब ये है कुल मिला के कि एडहॉक जजेस का क्या है कि कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए काम करना। स्पेशल पर्पज़ यहाँ क्या बता रखा है कि जो कोरम है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, कोरम मतलब जितने जजेस चाहिए हैं किसी भी काम को फुलफ़िल करने के लिए, किसी भी फंक्शन को करने के लिए, उतने टोटल जजेस नहीं है, तो एक्स्ट्रा जजेस की रिक्वायरमेंट है। तो एक्स्ट्रा जजेस की रिक्वायरमेंट के लिए आर्टिकल नंबर 127 बात करता है। तो इसमें यही बता रखा है कि जब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो सुप्रीम कोर्ट में हेड हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको लगता है कि जो कोरम है वो पूरा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट से तो कंसेंट लेंगे कि प्रेसिडेंट साहब आप इजाज़त दे दीजिए आपकी, हमें ज़रूरत है जजेस की, हमें ये कोरम जो है इसको पूरा करना है। और फिर क्या करेंगे, वो कंसल्ट करेंगे उस चीफ जस्टिस से, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जहाँ से उनको जज लेने। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे इंडिया में टोटल 24 हाई कोर्ट हैं, उन 24 हाई कोर्ट में से ऐसा तो है नहीं ना कि सारे हाई कोर्ट से लेने, कुछ हाई कोर्ट में से ले सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट में से ले सकते हैं। तो जिस हाई कोर्ट से लेंगे वो उस जज को, तो उस जज के सीजे जो हैं, उस जज के उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे उनको बात करनी पड़ेगी, उनसे उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो वो कंसल्ट करने के बाद उस पर्सन को एज ए हाई कोर्ट का जो जज है उसको सुप्रीम कोर्ट का जज एज ए एडहॉक जज बना सकते हैं। तो जो हाई कोर्ट का जज जिसको सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनाया जा रहा है, उसके लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि उसको वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए होती है। तो क्वालिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए होती है वो हमने आर्टिकल नंबर 124 में पढ़ी थी। तो उसमें बता रखा था कि या तो 5 साल आप जज रह चुके हो हाई कोर्ट के, तो वो जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का। तो वो ऑलरेडी 5 साल अगर वो जज रह चुके हैं हाई कोर्ट के तो वो बिल्कुल जज बन सकते हैं। तो ये जो 3 क्वालिफिकेशन थी आर्टिकल 124 में से, उसमें एक क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई है कि आप अगर 5 साल से ज़्यादा हाई कोर्ट में जज रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो वही वाली बात है, जो पर्सन हाई कोर्ट में 5 साल से ज़्यादा का जज रह चुका होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है एज ए एडहॉक जज, जब कोरम पूरा नहीं हो रहा हो। फिर इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो जज बनेगा, जो हाई कोर्ट का जज जो एडहॉक जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके पास वो सारी पावर, वो सारी ड्यूटीज़ होंगी जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास होती हैं, और वो उस तरह से अपनी पावर और फंक्शन को डिस्चार्ज करेगा। और जो सारी ये पावर हैं ये सारी उसको प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाएगी। क्योंकि क्या है कि अपन ने जब आर्टिकल 124 पढ़ा था तो उसमें भी लिखा हुआ था
कि जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज को अपॉइंट किया जाता है तो वो प्रेसिडेंट अपनी जो साइन करता है और जो अपनी सील लगाता है उसके बाद ही अपॉइंट होता है, और उसको जो ओथ दिलवाने का काम होता है चीफ जस्टिस को, तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दिलवाता है। तो कुल मिला के प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है, तो प्रेसिडेंट की कंसेंट है, तो प्रेसिडेंट के कंसेंट से ही सारा काम होगा। तो ये है आर्टिकल 127 जहाँ बात करी थी एडहॉक जजेस की। अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 128 की, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है कि जो जजेस हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में उनको लगता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको लगता है कि यार जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, फ्री बैठे हुए हैं, तो क्यों ना हम उनको एंगेज कर लें हमारे साथ, जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो जल्दी ख़त्म हो पाएगा। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत अपील जाती है, ट्रायल कोर्ट्स में बहुत केसेस हैं, तो जल्दी से जल्दी केसेस ख़त्म हो सकें इसलिए क्या है कि एक्स्ट्रा जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। ऐसा प्रोविज़न है संविधान के अंदर जो कि आर्टिकल में बात करा है 128 नंबर के में। इसमें क्या बात करी है, इसमें लिखा हुआ है कि जो अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कंसेंट लेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि हमें जो एक्स्ट्रा जजेस हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनकी ज़रूरत है जिससे हमारा फंक्शन हो सके, पूरा हो सके। तो वो क्या करेंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, कंसल्ट लेंगे, और वो कौन कौन को अपॉइंट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो जजेस रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड जज के अंदर कौन कौन आएंगे, तो रिटायर्ड जज के अंदर आएंगे या तो कोई जज जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए, या फिर कोई आदमी जो हाई कोर्ट से रिटायर्ड है। हाई कोर्ट का जज भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, रिटायर्ड जज को आर्टिकल 128 के अकॉर्डिंग उसको लाया जा सकता है। या फिर तीसरी चीज़, कोई फेडरल कोर्ट का जज, फेडरल कोर्ट का जज जो जब ब्रिटिश पीरियड था हमारे टाइम, ब्रिटिश पीरियड के टाइम में जो जजेस रहते थे, तो उसमें से अगर कोई पर्सन जो ब्रिटिश पीरियड टाइम में था और वो रिटायर्ड हो चुका है तो उसको भी लाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये आर्टिकल 128 में लिखा हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रिटायर्ड लोग हैं इनको लाया तो जा सकता है, लेकिन क्वालिफ़िकेशन जो है इनकी वो पूरी होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन क्या थी कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसमें तीन क्वालिफ़िकेशन है जो कि आर्टिकल 124 में बता रखी है। पहली क्वालिफ़िकेशन थी कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा हाई कोर्ट के जज रह चुके हों तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। दूसरी क्वालिफ़िकेशन थी आप 10 साल से ज़्यादा आपने हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करी है किसी में, इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में, तो भी आपको एज ए हम जज अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और तीसरी क्वालिफ़िकेशन थी कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं, एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, तो भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है। ये मैंने आपको आर्टिकल जब 124 पढ़ाया था उस वीडियो में, आप पूरी अच्छे से समझ सकते हैं इसको। तो ये जो क्वालिफ़िकेशन है जो आर्टिकल 124 में दे रखी है, तो ये आर्टिकल 128 है। इसमें एक चीज़ ये और है कि आप मान लीजिए किसी रिटायर्ड जज को अपॉइंट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप हमारे साथ जो काम करिए और जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं इनको डिस्पोज कीजिए, इनको जल्दी से ख़त्म कीजिए, लेकिन अगर जो रिटायर्ड जज है, आपने तो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करा और प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हाँ ठीक है मैं कंसल्ट देता हूँ आप अपॉइंट कर लीजिए, लेकिन जो रिटायर्ड जज है उस पर्सन को जिसको आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं उसकी कंसेंट भी लेना ज़रूरी है। आपने प्रेसिडेंट से तो कह दिया कि हमें अपॉइंट करना है और हम इन इन व्यक्ति को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, आपने पूरा डेटा वगैरह सारा दे दिया, लेकिन जो हाई जिस पर्सन को आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं उसकी कंसेंट भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। उस पर्सन की भी इच्छा हो कि हाँ मैं सुप्रीम कोर्ट में काम करने को तैयार हूँ तो ही उस पर्सन को अपन अपॉइंट करेंगे, अदरवाइज अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। मतलब जिस पर्सन को अपॉइंट करना है उसकी कंसेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये थे आर्टिकल 126, 127 और 128। थैंक यू।